हेलो, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम यहाँ पे यूपी एपीओ की पूरी तैयारी कर रहे हैं और यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट को पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस रेगुलेशन को पढ़ रहे हैं, एक्ट नहीं है, यूपी पुलिस रेगुलेशन को पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने पार्ट वन को कंप्लीट कर लिया, यानी कि चैप्टर नाइन तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर टेन से आगे बढ़ेंगे। हमने बेसिक डिटेल देख ली थी, कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट हैं, कितने पैराज हैं। तो अभी हम पार्ट टू के ऊपर पहुँचे हैं और चैप्टर टेन और चैप्टर इलेवन इस क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों क्लासेस को देखिएगा जिससे जो इससे पहले हमने पार्ट वन की कंप्लीट की है, ताकि आपको वो क्लियर रहे और आपको पोस्ट समझ आ जाए कि कौन सी किसकी पोस्ट होती है, ताकि आपको ये जो आगे वाले पार्ट्स हैं ये भी अच्छे से समझ आते रहे। आपको ये पता हो कि आईजी कौन होता है, एआईजी कौन होता है, डीआईजी कौन होता है, कमिश्नर कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होता है, असिस्टेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो उसको प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए और किसकी क्या ड्यूटी बनती है, वो सारी चीज़ें भी आपको समझ आती रहे। अब हम आते हैं पार्ट टू के ऊपर, जहाँ पे पर्टिकुलर ड्यूटीज़ बता रखी है। अच्छा, अगर आपने सेक्शन 154, सेक्शन 172, सेक्शन 155, 157, मतलब ये जो प्रोसीजर का पार्ट है जहाँ पे FIR रिकॉर्ड होती है CRPC के अंदर, ये नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मेरी पहले वीडियो इसके ऊपर अपलोडेड है, उनको देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो इसको समझने के अंदर, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पूरा उसी से रिलेट कर रहा है, जो ड्यूटीज़ हैं उससे रिलेट करके हैं कि जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट करने आता है, FIR करने आता है, तो उस वक्त उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उस वक्त क्या चीज़ों को फॉलो किया जाता है पुलिस के द्वारा, पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किसी FIR को रिकॉर्ड करते वक्त, ठीक है। तो प्लीज़ देखिएगा उनके। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी फ्रेंड्स आपके तैयारी कर रहे हैं यूपी एपीओ की, उनके साथ शेयर कीजिएगा कि हम यहाँ पे यूपी एपीओ के पेपर की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पेपर वन, पेपर टू के अंदर जितना सिलेबस है सब हम 21 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जितनी जीके है, इसके अंदर आपके चारों के चारों जो एक्ट हैं, चाहे आपका आईपीसी है, एविडेंस है, सीआरपीसी है और यूपी पुलिस एक्ट एंड यूपी पुलिस रेगुलेशन जो है, ये सारे हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं इन डिटेल। ऐसा नहीं है कि हम इन शॉर्ट कर रहे हैं कि बस कर लिया कहने के लिए कर लिया, उससे पेपर क्लियर नहीं होता जब तक हमें चीज़ें डिटेल में नहीं आती, है ना। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे, आपका सिलेबस साथ साथ ख़त्म हो जाएगा और आपकी तैयारी एक अच्छी खासी तैयारी होगी और आप अच्छे से अपना एग्जाम अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग। सबसे पहले आता है हमारे पास चैप्टर 10, जो कि बात करता है कि किस तरीके से पुलिस स्टेशन के अंदर हम रिपोर्ट्स को करते हैं। अब देखिए, रिपोर्ट जो है हमें पता है दो तरीके की होती है। एक होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम FIR बोलते हैं, और अगर आपने सेक्शन 154 पढ़ा होगा या CRPC थोड़ा सा पढ़ रखा है तो आपको क्लियर होगा कि FIR जो है कौन से ऑफेंसेस के लिए होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए होती है। और सेक्शन 155 यूज होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए, वहां पे FIR नहीं होती, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। तो इन दोनों चीजों की रिपोर्ट किस तरीके से लेनी है और जब आपके पास ये रिपोर्ट आ रही है तो उसके ऊपर क्या आपको एक्शन लेना है, ये हमें पैरा 97 से पैरा 103 के अंदर बता रखा है। यहाँ पे चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दोनों को कंप्लीट कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है। सबसे पहले पैरा 97, जब आपके पास किस चीज की रिपोर्ट आती है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस आप मुझे पता है अच्छे से जानते हो क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, यानी कि ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर आप बिना मैजिस्ट्रेट के जाके किसी को अरेस्ट कर सकते हो और उसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो, उसी को कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं ना। तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है, तो वेन एवर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो जो भी SHO साहब हैं, जो भी SO हैं, उनको जब ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई क्या हुआ है, कॉग्निजेबल अपराध हुआ है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वहां पे फिर वो उसको रिकॉर्ड करेंगे। उनकी पहली ड्यूटी क्या है कि उसकी रिपोर्ट जो है वो कितनी कॉपीज लेंगे, ट्रिप्लीकेट लेंगे। जब आप 154 पढ़ते हो तो वहां पे ये बात नहीं लिखी गई कि कितनी कॉपीज लेनी है, उसके अंदर ये बताया गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कि आप उसको पढ़ के सुनाओगे क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको एक कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, लेकिन कितनी कॉपीज बनाओगे तो वो हमें रेगुलेशन के अंदर बता रखा है, यूपी पुलिस रेगुलेशन के अंदर, कि आप उसकी कॉपीज ट्रिप्लीकेट के अंदर बनाओगे इन चेक रिसीट बुक फॉर रिपोर्ट्स ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो ट्रिप्लीकेट के अंदर बनाओगे, एक ओरिजिनल होगी, एक उसकी फोटोकॉपी और एक और कॉपी, तो तीन कॉपीज हो गई जो कि यहाँ पे एक रिपोर्ट की बनाई जाएगी, कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के, नॉन कॉग्निजेबल में ये वाली चीज नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे बता रहा है कि अब देखो जो रिपोर्ट होती है जब हम पढ़ते हैं, सीआरपीसी भी पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हमें क्या लिखा है, हम रिपोर्ट जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे? या तो रिटर्न के अंदर कर सकते हैं या ऑरली जाके कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि अगर आपकी रिपोर्ट जो है ऑरली की गई है, जैसे कि मैंने जाके पुलिस को ऑरली किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए रिपोर्ट की, तो वहां पे जो भी मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं ना अपनी कंप्लेंट के लिए, अपनी रिपोर्ट के लिए, तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स उनके द्वारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इन बिटवीन अगर वो जब मैं अपनी कंप्लेंट कर रहा था, मैं अपनी ये जो चीज़ें उनको बता रहा था, तो उस वक्त जो भी चीज़ें वो मेरे से बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने दिए थे वो भी साथ साथ रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब उसके साथ साथ जो भी आंसर्स मैंने दिए उनको रिकॉर्ड किया जाएगा एंड रीड ओवर टू हिम, और साथ में फिर जो भी मैंने, जैसे अब मैंने जो भी कंप्लेंट की थी, जो भी मैंने रिपोर्ट की थी, वो फिर मुझे पढ़ के सुनाई जाएगी कि भाई जो मैंने बात बोली है वही रिकॉर्ड की गई है या नहीं की गई है। और फिर उसके बाद ही मस्ट साइन ईच ऑफ द थ्री पार्ट्स, तीनों ही पार्ट्स को साइन करवाया जाएगा। और इफ़ यू कैन नॉट राइट, अगर नहीं लिख सकता, तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई मार्क या कोई थंब इंप्रेशन उसका ले लेंगे कि भाई थंब इंप्रेशन इसके ऊपर लगा दो। तो ये चीज़ उसके उस तरीके से उसकी रिपोर्ट ली जाएगी ट्रिप्लीकेट के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड्स लिखे जाएंगे अगर ऑरली है, अदरवाइज तो वो दे रहा है तो वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर रिपोर्ट जो है वो रिटर्न के अंदर है, तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी जो है बनाई जाएगी, वही मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, उसकी एग्जैक्ट फोटो कॉपी आप बोल सकते हो, लेकिन हर एक पार्ट के ऊपर आपको सिग्नेचर या जो थम इम्प्रेशन है वो लेने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर ऑरली करी गई है तो फिर आपको सिग्नेचर और थम इम्प्रेशन लेने की जरूरत है हर एक पार्ट पे, लेकिन आप पहले से ही रिटर्न रिपोर्ट दे रहे हो तो फिर वहाँ पे सिर्फ उसकी कॉपी बनाई जाएगी तीन, और उसमें हर एक कॉपी पे आपके सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इन ऑल केसेस, दोनों ही केसेस में, यानी कि चाहे ऑरली हो चाहे रिटर्न के अंदर हो, जो ऑफिसर इंचार्ज है स्टेशन के, वो तीनों ही पार्ट्स को साइन करेंगे। तीनों पार्ट्स के ऊपर, जो तीन पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, तीनों पार्ट्स के ऊपर वो साइन करेंगे एंड हैव द सील स्टे ऑफ द स्टेशन स्टैम्प्ड ऑन ईच, और जो वो जो पुलिस स्टेशन है उसकी जो स्टैम्प है वहाँ पे सील करके वो तीनों कॉपीज के ऊपर लगाएंगे। क्योंकि इनमें से एक कॉपी जो होती है वो किसको लौटाती जाती है, जो दूसरी वाली कॉपी होती है उसको लौटाती जाती है जिसने कंप्लेंट की होती है, मतलब जिसने रिपोर्ट की होती है ना उसको लौटा दी जाती है। द ट्रिप्लीकेट कॉपी विल रिमेन इन द बुक, जो तीसरी कॉपी थी वो तो बुक में ही रहेगी। डुप्लीकेट कॉपी को क्या किया जाएगा, जो पर्सन था जिसने ऑरली वो रिपोर्ट की थी या फिर रिटर्न के अंदर लेके आया था उसको वो लौटा दी जाएगी। और ओरिजिनल वाली के साथ क्या क्या किया जाएगा, वो एसपी को भेज दी जाएगी। एसपी क्या करेगा, एसपी जो है उसको मजिस्ट्रेट को भेजेगा, यानी कि डायरेक्टली, जैसे हमें पता है कि बीच में कम्युनिकेशन जो होता है पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच में, वो एसपी के थ्रू हो रहा होता है, एसपी के ऑफिस के थ्रू हो रहा होता है। तो थ्रू एसपी ये मजिस्ट्रेट को ओरिजिनल कॉपी भेज दी जाएगी जिनकी भी जुरिडिक्शन के अंदर ये आ रहा है। तो इस तरीके से इन तीन कॉपीज को ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट की जाएगी, तो कौन, ध्यान रखना कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कितनी कॉपीज बनती है, ट्रिप्लीकेट के अंदर बनती है, ये आपसे पूछ सकता है प्री के अंदर, एमसीक्यू के वे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमें क्या बनानी होती है, एक जनरल डायरी बनानी होती है, ठीक है। अब इस जनरल डायरी के अंदर क्या लिखना होता है, तो जब आपकी एफआईआर हुई है ना, तो उसकी जो एंट्री है ना आपको जर्नल डायरी के अंदर भी करनी होगी, जीडी जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं। तो जब भी रिपोर्ट हुई है आपको जल्द से जल्द क्या करना है, जब आपने एफआईआर की है, द सब्सटांस ऑफ द रिपोर्ट मेड ब्रीफली रिकॉर्डेड इन जर्नल डायरी, तो जो उसका सब्सटांस है यानी कि जो मेन चीज थी, क्या ऑफेंस हुआ, किसके अगेंस्ट हुआ, क्या टाइम था, कौन एक्यूज था, उसका जो मेन सब्सटांस है वो आप अपनी जर्नल डायरी के अंदर रिकॉर्ड करोगे, ये चीज पैरा 99 बोलता है। देन द एंट्रीज इन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द जर्नल डायरी मस्ट बी मेड एट वंस इवन इफ द रिपोर्ट इज रिसीव्ड एट नाइट, तो ये जो दोनों एंट्रीज है ना, जो आप रिपोर्ट कर रहे हो, जो जर्नल एंट्री जर्नल डायरी के अंदर एंट्री कर रहे हो, एक बार ही में करनी है, चाहे रात के वक्त ही, रात के 1 बजे ही क्यों ना ये रिपोर्ट की जा रही है, तो साथ के साथ ही आपको वो करना है जर्नल डायरी के अंदर जो एंट्री है, वेट करके नहीं कि अभी आपने ये किया और 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद जाके आप जर्नल डायरी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, साथ के साथ आपको करना है। देन पैरा 100 क्या बोलता है कि अगर कोई ऑरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की किसी स्टेशन ऑफिसर को, ठीक है, जो एसएचओ है उनको, इस तरीके से कोई ऑरल इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो उसके अंदर वो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, जैसे कहीं वो कहीं पे हैं, उनको कोई ऐसे ऑरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उस सिचुएशन में वो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो जब ऑफिसर इंचार्ज को कोई ऑरल रिपोर्ट रिसीव होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जब वो अपने स्टेशन से बाहर है, दूर है कहीं पे, और वो क्या चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तभी के तभी शुरू हो जाए, और वो कैन नॉट डिस्पेंस विद द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन हु मेड द रिपोर्ट, और वो जो व्यक्ति जिसने रिपोर्ट किया उसको डिस्पेंस भी नहीं कर सकते कि उसकी अटेंडेंस जो है वहाँ से हट जाए, तो वो क्या करेंगे, राइटिंग के अंदर
उसकी रिपोर्ट ले लेंगे एंड आफ्टर हैविंग इट साइंड और मार्क्ड बाय द पर्सन हु मेड इट शुड सेंड इट टू द पुलिस स्टेशन टू बी ट्रीटेड एज रिटर्न रिपोर्ट। तो उसकी वो रिपोर्ट लेके उसको साइन वाइन करवा के और उसको अपने पुलिस स्टेशन भेज देंगे जैसे कि कोई रिटर्न रिपोर्ट भेजी गई हो, एंड देन फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जिस हिसाब से एक्शन लिया जाता है। तो ये तरीका बताया गया जब वो बाहर होंगे अपने स्टेशन से, दूर होंगे कहीं पे। देन पैरा 101 बताता है कि इन टाइप के ऑफेंसेस के अंदर अगर ये वाले टाइप के ऑफेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पे स्पेशल रिपोर्ट बनाने की जरूरत होती है। जैसे कौन कौन से, ये सारे हीनियस क्राइम बताए गए हैं, डकैती, रॉबरी, ठीक है। अब अनइम्पॉर्टेंट केसेस जैसे कि किसी के ईयरिंग्स छीन के भागे, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। टॉर्चर बाय पुलिस, एस्केप फ्रॉम पुलिस कस्टडी, फॉर्जरिंग ऑफ करेंसी नोट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ काउंटरफीट कॉइन्स, सीरियस डिफेक्शन ऑफ पब्लिक मनी इंक्लूडिंग थेफ्ट ऑफ नोट्स और हुंडीज फ्रॉम लेटर्स, इम्पॉर्टेंट केस ऑफ मर्डर। तो ये तो वैसे ही हीनियस होते हैं, मर्डर हो गए, राइटिंग हो गए, बर्गलरी के या चोरी के, ब्रीच ऑफ पीस बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, कम्युनिटीज, पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड अदर केसेस ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई जाएगी और कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट विल बी सेंड इमीडिएटली इन रेड एनवलप। तो ये इनकी जो रिपोर्ट है ना, एक रेड एनवलप के अंदर, की रेड एनवलप का मतलब क्या हो गया कि खतरा है कोई चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रेड एनवलप के अंदर डाल के किसको भेज दी जाएगी इसकी रिपोर्ट, सुपरिटेंडेंट को भेज दी जाएगी, ठीक है, जो भी डीएम है उनको भेज दी जाएगी, एसडीएम को भेज दी जाएगी और जो सर्कल इंस्पेक्टर हैं उनको भेज दी जाएगी पोस्ट के थ्रू या फिर इन हैंड जाके दे के आ सकते हैं। जोन सा भी तरीका क्विकर है उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये याद रखना कि रेड एनवलप कब यूज होता है। तो ये जो स्पेशल रिपोर्ट बनाई जाती है कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंदर, जो 7 से 8 ऑफेंसेस बता रखे हैं, वहां पे रेड एनवलप मेंटेन होता है, उसकी रिपोर्ट इमीडिएटली भेजी जाती है किस किस को, एसपी को, डीएम को, एसडीएम को और सर्कल इंस्पेक्टर को, और ये जल्द से जल्द दी जाती है। किसी भी तरीके से आप भेज सकते हो उसको, पोस्ट से भी भेज सकते हो और हैंड से भी दे सकते हो, जोन सा भी तरीका जल्दी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बताता है पैरा 101 ये जो बाद में ऐड किया गया था, कॉपी ऑफ स्पेशल रिपोर्ट्स टू डीएम एंड एसपी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो कॉपी ऑफ रिपोर्ट होगी वो डीएम को और एसपी को भेजी जाएगी इन ऑल इंपॉर्टेंट केसेस और कैटेगरीज ऑफ केसेस विच दे में रिक्वायर स्पेशल रिपोर्ट टू बी सेंड। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट केसेज होंगे वहाँ पे भी जो रिपोर्ट्स है वो डीएम और एसपी को भेजी जाएगी, लेकिन उनको रेड एनवलप में भेजने की जरूरत नहीं है। रेड एनवलप में कब भेजा जाएगा, जो ऊपर बताए गए, जो पैरा 100 के अंदर बताए गए थे, पैरा 101 के अंदर जो बताए गए थे वो वाले अगर ऑफेंसेस होंगे तो वहां पे आपको रेड एनवलप में भेजना होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए कि आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या करना है। अब आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर रिपोर्ट की जाती है तो जो उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है रिपोर्ट का उसको आप अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी बुक के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। अच्छा, ये हुआ था, मेन चीज ये है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। देन उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट होता है उसको क्या करना होता है, अपने साइन करनी होते हैं या फिर मार्क जो है वो एफिक्स करना होता है दो कॉपीज के ऊपर, यानी कि यहाँ पे सिर्फ टू कॉपीज मेंटेन हो रही है, दो कॉपीज बनाई जा रही हैं जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जब कॉग्निजेबल था तो कितनी कॉपीज बनाई जा रही थी, तीन कॉपीज बनाई जा रही थी, नॉन कॉग्निजेबल के अंदर दो कॉपीज बनाई जा रही हैं। द डुप्लीकेट शेल बी गिवन टू हिम, ठीक है जी, ये लो, अब आप डुप्लीकेट जो है इसको ले जाओ, एनसीआर जिसको बोल देते हैं, और ओरिजिनल जो है वो बुक के अंदर रख लेते हैं, जो पुलिस जो उनका डिपार्टमेंट है उसके अंदर उसको रख लेंगे, ठीक है। और फिर जो जनरल डायरी के अंदर उसकी एंट्री कर लेंगे, जैसे नॉन कॉग्निजेबल की करते हैं, जो मेन सब्सटेंस है उसकी एंट्री कर लेंगे, और राइटिंग के अंदर और प्रॉपर जो भी है उसके साथ डायरी के अंदर, अगर वो राइटिंग के अंदर रिपोर्ट दी गई होगी तो उसको अटैच भी करके लगा देंगे कि ये रिपोर्ट थी, और फिर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे। क्यों, क्योंकि सेक्शन 155 होता है कि जहां पे जो मैजिस्ट्रेट होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बोलते हैं कि यहां पे आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो, तो फिर पुलिस जो है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करती है। तो ये रिपोर्ट भेज दी जाती है मैजिस्ट्रेट को ताकि उसको देख ले और उनको लगे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो फिर वो वहां पे इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दें। सीआरपीसी सेक्शन 155 के अंदर ये बात दी गई है ना, तो इसको फॉलो करना है। तो आपको कनेक्ट करते हुए चलना है सीआरपीसी को और जो यूपी पुलिस रेगुलेशन है इसको, इसी तरीके से हर एक स्टेट में होता है, आपको इन दोनों को कनेक्ट करके चलना पड़ता है, क्योंकि प्रोसेस तो आप वही फॉलो करोगे ना, मेन तो सीआरपीसी में दे रखा है, उसी को एक तरीके से सही से फॉलो करने के लिए इसको बनाया जाता है, क्योंकि वो मेन एक्ट है, उसको कंप्लीशन के लिए इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। ये रेगुलेशंस हैं कि किस तरीके से रेगुलेट होंगी चीजें। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा हो, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लियर करते हुए चलेंगे और मैं आपको साथ साथ रिप्लाई करता रहूंगा अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो, ठीक है। चलें आगे, चलो अब एसओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि स्टेशन ऑफिसर, एसएचओ बोल लो, एसओ बोल लो, फॉर द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल रिपोर्ट क्राइम, की उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो भी क्राइम रिपोर्ट की जा रही है उसकी करेक्ट रिकॉर्डिंग हो, सही से उनको रिकॉर्ड किया जाए,
ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज ऑन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बाय सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी, द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल रिपोर्ट्स ऑफ क्राइम वेदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल विल बी एनफोर्स एंड ही मस्ट काउंटर साइन ऑल द रिपोर्ट इधर ऑफ इधर काइंड रिकॉर्डेड। तो उसको सभी चाहे वो कॉग्निजेबल हो नॉन कॉग्निजेबल हो, उसको ये देखना है कि जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सही से रिकॉर्ड हो, और वो सभी के ऊपर क्या करेगा, काउंटर साइन करेगा ताकि वो चेक करता रहे कि हाँ सही से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एसओ की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, मतलब मेन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैरा 103 के अंदर दे रखी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 जो है वो खत्म होता है, जहाँ पे हमने बेसिकली क्या देखा था कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए रिकॉर्ड कैसे की जाती है रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 11 आता है जिसके अंदर हमें इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बता रखा है। तो यहाँ पे भी आपने अगर सेक्शंस पढ़ रखे होंगे सीआरपीसी के, ये जो इन्वेस्टिगेशन और इन सबसे रिलेटेड है, तो आपको ये और साथ साथ अच्छे से समझ आता रहेगा, और थोड़े थोड़े आईपीसी के सेक्शंस भी आपको क्लियर होने चाहिए कि किस सेक्शन के अंदर क्या बता रखा है। जैसे 420 सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है, 407 सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए आईपीसी के अंदर भी। ठीक है, तो अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो थोड़ा थोड़ा उनको देखते रहना साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो क्या हर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती है? तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बता रखा है कि आपको हर एक को इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता, यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ना हमें आईपीसी के अंदर भी एक सेक्शन दे रखा है सेक्शन 95, जहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि जो ट्राइबल मैटर्स होते हैं, छोटे मोटे मैटर होते हैं, उनको हमें इग्नोर करना होता है, क्योंकि इस तरीके से हर एक चीज़ के ऊपर अगर एक्शन लिया जाएगा तो फिर बातें बढ़ती रहेंगी। तो किसी का हल्का सा किसी को धक्का लग गया, हल्की सी छोटी सी बात हो गई, तो उनके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जब भी कोई रिपोर्ट की जाएगी कॉग्निजेबल ऑफेंस की ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की, तो वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन डिजायरेबल है या नहीं है। इन एक्सरसाइजिंग ऑफ डिस्क्रिशन अलाउड अंडर सेक्शन 157(1)(b) ऑफ सीआरपीसी, ही शुड कंसीडर वेदर द केस इज फॉर सिविल रेदर देन ऑफ ऑफ फॉर द क्रिमिनल कोर्ट्स। फिर यहाँ पे ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या ये कहीं केस सिविल नेचर का तो नहीं है क्रिमिनल के अलावा, एंड वेदर द एक्शन बाय पुलिस इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपीडियंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। क्या पुलिस का एक्शन लेना यहाँ पे जरूरी है एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये सिविल मैटर और ये घर का आपसी लड़ाई झगड़ा हो जहाँ पे पुलिस की कोई जरूरत ना हो। तो इसके रिगार्डिंग जो एसएचओ होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, और वो बता रीजन भी लिखते हैं कि क्यों यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है एक्शन लेना। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन कब नहीं करते, एसएचओ कब ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन की, तो जब जो सब्जेक्ट मैटर है कंप्लेंट के अंदर वो कैसे अपियर होते हैं, विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी, ये मैं आपको बताया है कि जब ट्राइबल मैटर होते हैं वहाँ पे नहीं करते। और इफ द कंप्लेंट अपियर्स टू बी सेटिंग अप टेक्निकल ऑफेंस या फिर एग्जीग्रेटिंग इन अ ट्राइबल अकरेंस, की कोई छोटी सी बात थी उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है या कोई टेक्निकल ऑफेंस है, तो वहाँ पे फिर वो जो है यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। ठीक है, देन इन्वेस्टिगेशन में नॉट टू बी मेड एक्सेप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ एसपी की, वैसे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको एसपी जो है वो ऑर्डर नहीं कर देते, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के अंदर। हमें बता रखा है यहाँ पे कुछ ऑफेंसेस बताएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको आईपीसी के सेक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, जब तक कि आपको एसपी से यहाँ पे रिपोर्ट नहीं मिलती, अगर आपको एसपी बोल रहा है कि हाँ इसमें इन्वेस्टिगेशन करो तभी आप करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, या डीआईजी बोल रहे हैं तो वो तो फिर ऊपर के रैंक के हो गए, तो ऊपर के रैंक वाला तो कोई भी बोल रहा है तो करनी पड़ेगी फिर आपको। छोटा सा कोई चोरी का मामला है, बर्गलरी है, ठीक है, या तो वहाँ पे होगी कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है, फिर तो वो बोलेंगे कि हाँ कर लीजिए, अदरवाइज छोटी मोटी चोरी है तो एसपी अगर नहीं बोल रहे तो फिर करने की जरूरत नहीं है। 324, 325 है, छोटी मोटी मारपीट हो गई ये सब चीज़ें हो गई वहाँ जरूरत नहीं है। 147 हो गया आईपीसी का, अगर वहाँ पे कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है, ठीक है, या ब्रीच ऑफ पीस का कोई ज़्यादा डर नहीं है। 341, 344 हो गया जहाँ पे वो जो कन्फाइनमेंट वगैरह कर लेते हैं, अगर वहाँ पे कॉन्टिन्यूस कन्फाइनमेंट है तो फिर वहाँ ज़रूरत होती है, अदर अगर कॉन्टिन्यूस कन्फाइनमेंट नहीं है तो फिर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। 454, 347, 448, 406, 420, तो एक बार देख लीजिएगा कि ये कौन कौन से सेक्शन है ताकि आपके माइंड में रहे। तो यहाँ पे अगर प्रिमा फेसिए कोई एविडेंस नहीं लगता या फिर हमें लगता है कि सिविल नेचर के, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती इन्वेस्टिगेशन करने की इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंदर, अनटिल एंड अनलेस एसपी डीआईजी या ऊपर के लेवल के व्यक्ति कोई नहीं बोल रहे।
अब क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे जब किसी कॉग्निजेबल केस को हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, पैरा 105 बोलता है। तो क्या बोलता है कि जब कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डिसाइड करता है किसी पर्टिकुलर कॉग्निजेबल केस के अंदर कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, कि ये है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा, तो फिर वहां पे उसको क्या करना पड़ता है, उसको सेक्शन 157 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी को कंप्लाई करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये सेक्शन समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, तो आप इसको प्लीज पढ़िएगा, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है ताकि आपको समझ आ जाए, तो उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज मुझे पता है कि अगर आप यूपी रेगुलेशन को देख रहे हैं, यूपी पुलिस रेगुलेशन को देख रहे हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर ही होंगी। अदरवाइज हम सीआरपीसी को अलग से भी अभी यूपी के लिए पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी आप इसको कवर करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे वो डिसीजन लेंगे ऑफिसर इंचार्ज की, नहीं नहीं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तो उनको 157(2) की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। एंटर ऑन द ओरिजिनल एंड ट्रिप्लीकेट कॉपीज ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर हिज रीजन फॉर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वो ये डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं नहीं इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तो उनको रीजन लिखना पड़ता है कि क्यों वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। एंड देन ही मस्ट ऑल्सो नोट ऑन द डुप्लीकेट कॉपी, जो डुप्लीकेट कॉपी देंगे ना जो पर्सन रिपोर्ट करने आया था उसके ऊपर भी लिख देंगे कि यहाँ पे जो है हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ताकि उसको पता रहे कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और आगे वो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कोई स्टेप्स लेना चाहता है, मैजिस्ट्रेट की हेल्प लेना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें वो कर सके। देन अगर इन्वेस्टिगेशन की है तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो क्या होगा, तो इन्वेस्टिगेशन शुड ऑर्डिनरीली कैरीड आउट एंड कंप्लीटेड ऑन द स्पॉट एक्सेप्ट इन केस फॉलिंग अंडर सेक्शन 157(1)(a) ऑफ द सीआरपीसी की। जो इन्वेस्टिगेशन है ऑर्डिनरी क्या होगी, उसको कैरी आउट करोगे और कंप्लीट करोगे ऑन द स्पॉट की क्या क्या चीजें होनी थी, अनटिल एंड अनलेस वो केस 157(1)(a) के अंदर नहीं आता। इफ हाउएवर द सीन ऑफ द ऑफेंस इज क्लोज टू द पुलिस स्टेशन और एज इन टाउन्स एंड द केस इज नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 157(a) ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे आफ्टर विजिटिंग द स्पॉट रिटर्न ऑन द पुलिस स्टेशन टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन, कि भाई आसपास ही हुआ है और वो 157(1)(a) के अंदर नहीं आ रहा है, तो ऑफिसर क्या कर सकता है, उस स्पॉट से अपने स्टेशन में वापस आ सकता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर सकता है अपने स्टेशन में बैठ के। अब क्या ड्यूटीज होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, जिसको हम आईओ बोलते हैं, क्योंकि हर एक केस के लिए एक ना एक आईओ अपॉइंट होता है, तो ये जो आईओ है इसकी क्या ड्यूटीज होती हैं जब इसको अपॉइंट किया जाएगा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इज नॉट रिगार्ड टू हिमसेल्फ एज अ मियर क्लर्क फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, इट इज हिज ड्यूटी टू ऑब्जर्व एंड इन्फर। तो यहाँ पे ये नहीं है, आईओ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक क्लर्क हो गया, भाई आजा तू भी अपनी स्टेटमेंट लिखवा दे, तू भी स्टेटमेंट लिखवा दे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ऑब्जर्व करना है और चीज़ों का मीनिंग निकालना है कि किसने क्या बोला, क्या चीज़ हुई, ताकि वो पता लगा सके कि किसने ऑफेंस किया है। इन एवरी केस ही मस्ट यूज हिज ऑन एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीन ऑफ द ऑफेंस एंड ऑफ जनरल सर्कमस्टांसिस टू चेक द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड इन केस विच द कल्प्रिट्स आर अननोन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच ही शैल लुक फॉर देम। तो यहाँ पे ये सारे डिसीजंस की अपने एक तरीके से अच्छे से माइंड को यूज करना, एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन करना, सीन ऑफ ऑफेंस को देख के एक जनरल सर्कमस्टांसिस को समझना कि कैसे ऑफेंस हुआ होगा, किसने ऑफेंस किया होगा, या कौन इसके अंदर विटनेस हैं, विटनेसेस को चेक करना, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना, कल्प्रिट्स के बारे में सोचना कि कल्प्रिट कौन होंगे, अगर अननोन है तो हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए कि हम कल्प्रिट्स को ढूंढ सके। तो ये सारी चीजें किसकी होती हैं, आईओ को ही करनी होती है। देन उसको क्या करना चाहिए, जो लोकल ऑफेंडर्स जिस तरीके से क्राइम करते हैं उसके बारे में, उसके उनके मेथड्स के बारे में उसको पता करना चाहिए, ठीक है। एंड ही मस्ट बी ऑन हिज गार्ड अगेंस्ट एक्सेप्टिंग द सस्पिशियस ऑफ विटनेस एंड कंप्लेंट्स व्हेन दे कंफ्लिक्ट विद ऑब्वियस इंटरफेरेंस फ्रॉम फैक्ट्स। ही मस्ट रिमेंबर दैट इट इज हिज ड्यूटी टू फाउंड आउट द ट्रूथ एंड नॉट मेयरली टू ऑब्टेन कन्विक्शन। तो ये इसकी ड्यूटी बनती है कि उस सच्चाई क्या पता लगा, ये सिर्फ ये नहीं कि किसी को पकड़ लिया और उसको बस कन्विक्शन करा दी, झूठा फंसा दिया, ये सब काम नहीं है उसका, उसको सच्चाई क्या पता लगाना है। अब क्या होता है वो तो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमें पढ़ना है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को कर रहे हैं। तो वो ट्रुथ जानना जो है वो उनका काम होता है कि सच्चाई क्या है ये पता लगाना। ही मस्ट नॉट प्रीमेच्योरली कमिट हिमसेल्फ टू एनी व्यू। ऐसा नहीं कि बस तूने ही ऑफेंस किया, ऐसा नहीं कर देना, अंटिल एंड अनलेस को पूरे एविडेंस नहीं मिल रहे किसी डायरेक्शन में। एंड दो ही नीड टू गो आउट ऑफ हिज वे टू हंट अप एविडेंस फॉर द डिफेंस इन अ केस व्हिच ही हैज सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड फॉर बिलीविंग एन अक्यूज पर्सन इज गिल्टी। तो आपके पास सेटिस्फैक्टरी एविडेंस होने चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए, जिसके कारण आप बिलीव कर सको कि ये जो अक्यूज है इसी ने ये ऑफेंस किया है, ये जो अक्यूज है यही गिल्टी है इसके अंदर। और जो भी एक्यूज पर्सन जिसके ऊपर भी आरोप लगा रहा होगा उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपने डिफेंस के लिए एविडेंसेस प्रोड्यूस कर सके उसके सामने, और जो भी वो एविडेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है उसको केयरफुली कंसीडर किया जाए पुलिस के द्वारा। तो ये आईओ की ड्यूटी बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है आईओ की, जो कि उसको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, ठीक है। अब क्या स्टेप्स यूज होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पैरा 108 के अंदर से अगर हम देखें, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है,
फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आईओ होता है उसको नोट बनाना चाहिए अपनी केस डायरी के अंदर। अब केस डायरी के बारे में आपको पता है सेक्शन 172 में आता है, तो केस डायरी के अंदर उसको अपना नोट बनाना चाहिए 172 के हिसाब से, द टाइम एंड प्लेस एट विच ही हैज रिसीव द इन्फॉर्मेशन ऑन विच ही एक्ट्स एंड मेक इन इन द डायरी अ कॉपी ऑफ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके अंदर एक तो डायरी के अंदर एफआईआर की फर्स्ट कॉपी रखनी चाहिए, मतलब कॉपी रखनी चाहिए, और जो जो चीज़ें भी जिस टाइम पे उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है सारी चीज़ें उसको उसके अंदर अपनी केस डायरी के अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए। देन जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को बिगिन कर रहा है उस अपनी केस डायरी के अंदर नोट करे टाइम एंड प्लेस जहाँ से भी उसने शुरू किया है, जो भी चीज़ें वो कर रहा है। और तीसरी चीज़ कि उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करना है जो सीन है जो भी एलिज ऑफेंस का, कि यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, यहाँ पे कोई डकैती हुई है, तो उसको जाके क्या करना है, उसको इंस्पेक्ट करना है उस जगह क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एंड क्वेश्चन द कंप्लेंट एंड एनी अदर पर्सन हु मे बी एबल टू थ्रो लाइट। और कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि इसने ये ऑफेंस होते हुए देखा था, इससे क्वेश्चन पूछना है, आस पड़ोस के लोग हैं उनको लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा या इनको कुछ पता है किस तरीके से चीज़ें हुई है, तो उनसे जाके क्वेश्चन पूछना ताकि वो कुछ बता सके इनको और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, देन एट द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ही शुड कंसल्ट द विलेज क्राइम नोटबुक टू लर्न ऑफ एनी मैटर रिकॉर्डेड देयर विच मे हैव बियरिंग ऑन द केस। और इसके अलावा शुरुआत में ही जो विलेज क्राइम नोटबुक होती है जो मेंटेन होती है कि विलेज के अंदर जितने क्राइम्स हो रहे हैं उनको देखना ताकि कोई हेल्प हो सके उसको इस केस के अंदर, अगर उसको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे को इसके अंदर हेल्प कर सकती है। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं एक आईओ को करना जरूरी होती है, बेसिकली केस डायरी मेंटेन करना जरूरी होती है सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से। देन एंट्रीज ऑफ द केस, अब पैरा 109 के अंदर हमें बता रखा है कि ये जो केस है इसकी एंट्रीज किस तरीके से की जाएंगी। ठीक है, केस डायरी तो मेंटेन करनी है ये तो हमें पता चल गया, अब उसकी एंट्रीज कैसे करनी है, तो जो केस डायरी है जो हमें सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से बना रहे हैं उसके अंदर सफिशियंट डिटेल्स होनी चाहिए टू एनेबल द सुपरवाइजिंग ऑफिसर टू अप्रिशिएट द फैक्ट्स, कि जो भी उसका सुपरवाइजिंग ऑफिसर है ना आईओ के ऊपर भी, ताकि वो ये देख सके कि भाई ये जो चीज़ें कर रहा है जो भी फैक्ट्स हैं उनको एक तरीके से अप्रिशिएट कर सके कि हाँ ये चीज़ ऐसे थी ऐसे थी ऐसे थी, ये सही डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, उसको कुछ गाइडेंस देनी हो या कोई चीज़ बतानी हो तो वो सारी चीज़ें ठीक से हो सके। वेरिएशन इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द सब्सटेंस ऑफ द सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इफ एनी शुड बी रिकॉर्डेड, कि भाई जो एफआईआर के अंदर स्टेटमेंट दी थी फिर बाद में जो स्टेटमेंट करवाई, जैसे बाद में भी स्टेटमेंट होती है ना 161 और इन सब के अंदर स्टेटमेंट कराई, तो उनके बीच में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से देखना कि पहले तो इसने ये बोला था बाद में ये बात बोल रहा है। ठीक है, जो आईओ होता है वो बाउंड नहीं होता हर एक स्टेटमेंट को अपनी उसके अंदर लिखने के लिए। ठीक है, ये तो हमने जब सीआरपीसी पढ़ते हैं वहाँ पे भी देखते हैं जो भी उसको 161 के अंदर दी जा रही होती है जो उसको ठीक लगती है उन्हीं को वो रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ऐसे तो हर एक व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लग गया 10 लोगों से पूछ रहा है कोई यूजफुल नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा होगा। ही शेल मेक अ सेपरेट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हु स्टेटमेंट रिकॉर्ड, तो जिनकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट से रिकॉर्ड बना के रखेगा, स्टेटमेंट सबकी रिकॉर्ड करके रखेगा वो। ठीक है, जिस जिसकी उसको लगता है, सबकी नहीं करेगा वो। द स्टेटमेंट शेल बी रिकॉर्डेड इन फर्स्ट पर्सन एंड शेल कंटेन सच डिटेल एज आर लाइकली टू बी हेल्पफुल इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ केस, फर्स्ट पर्सन के वे में रिकॉर्ड होगी जैसे कि वो खुद ही दे रहे हैं अपनी रिपोर्ट, और उसके अंदर सारी तरीके से मतलब कि उस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा डिटेल्स को कि आगे उसको हेल्प हो सके इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, सर्च कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, अब जो सर्च है वो किस तरीके से कंडक्ट होगी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सर्च करने की पावर इनके पास किस तरीके से आती है, तो जो सीआरपीसी पावर देता है वो तो बेसिक सी बात है, अब यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से कर सकते हैं। जो पुलिस ऑफिसर होते हैं जो भी सर्च करते हैं सीआरपीसी के हिसाब से या किसी और लॉ के हिसाब से, जैसे वहाँ पे सेक्शन कौन सा था 93, 92 इन सब के अंदर आती है ना सर्च करना ये सब चीज़ें करना, बिफोर एंटरिंग द प्लेस टू बी सर्च सेटिस्फाई द ऑनर, जब वो उस प्लेस के अंदर एंटर कर रहे होंगे तो वो ऑनर को सेटिस्फाई करेंगे या ऑक्यूपायर ऑफ प्रीमाइसिस को सेटिस्फाई करेंगे अगर वो वहाँ पे हैं, एंड द विटनेसेस दैट नीदर ही और एनी अदर मेंबर ऑफ द सर्च पार्टी इंक्लूडिंग इन्फॉर्मर इफ प्रेजेंट हैज एनीथिंग इनक्रिमिनेटिंग कंसील्ड अबाउट हिज पर्सन, की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपा रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नो इन्फॉर्मर शुड बी अलाउड टू एंटर अ प्लेस विच इज टू बी सर्च अनलेस इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्पेंस विद हिज असिस्टेंस, कि किसी भी इन्फॉर्मर को जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको उस प्लेस में नहीं लेके जाया जाएगा जिसको भी सर्च किया जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस बड़ा ही मुश्किल हो जाएगी, उसकी हेल्प के बिना चीज़ें सर्च नहीं हो पाएंगी, अदरवाइज इन्फॉर्मर को वहाँ पर नहीं लेके जाया जाएगा। सर्च इज मेड अंडर द आर्म्स एक्ट एक्साइज एट सेक्शन 19 ऑफ ऑपियम एक्ट सी और सीआरपीसी मे बी मेड बाई डे और नाइट, तो ये जो सर्चिज़ हैं रात दिन में कभी भी की जा सकती हैं, अगर आर्म्स एक्ट में है, एक्साइज एक्ट में है, ओपीएम एक्ट के अंदर है सेक्शन 19 के, तो यहाँ यहाँ पे आप कभी भी कर सकते हो, सीआरपीसी के अंदर है। सर्चेज अंडर सॉल्ट एक्ट एंड सेक्शन 14 ऑफ ओपीएम एक्ट मे बी मेड ओनली बाई डे, और लेकिन ये जो एक्ट पर्टिकुलरली दिए गए हैं इनके अंदर आप सिर्फ डे टाइम पे ही
सर्च कर सकते हो। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है कि किसके अंदर आप दोनों टाइम पे कर सकते हो और किसके अंदर आप सिर्फ डे टाइम पे सर्च कर सकते हो। देन इंक्वायरीज फ्रॉम पर्सन, कि आप किस तरीके से लोगों से इंक्वायरीज कर सकते हो। तो पर्सन फ्रॉम हुम इंक्वायरीज आर मेड बाय द पुलिस शुड नॉट बी अननेसेसरली हरास्ड और डिटेन, कि ये नहीं उसको परेशान कर रहे हो, हाँ भाई बता क्या है, तू नहीं जाएगा, घर नहीं जाएगा, उसको बैठा के रख रहे हो पुलिस स्टेशन में, डिटेन करके रख रहे हो, इस तरीके से आपको उसको हरास नहीं करना है। वो एक तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको अननेसेसरी हरास कर रहे हो। अब जो है सच्चाई वो तो अलग चीज़ है। इफ़ एनी पर्सन समन अंडर सेक्शन 100 और सेक्शन 160 ऑफ CRPC रिक्वेस्ट दैट पीरियड ऑफ हिज अटेंडेंस बी पुट ऑन रिकॉर्ड, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल कंप्लाई बाय मेकिंग एंट्री ऑन द फॉइल एंड काउंटर फॉइल ऑफ द ऑर्डर फॉर्म नंबर 7। तो अगर कोई जैसे किसी को सेक्शन 100 या 160 के अंदर समन किए जा रहे हैं, बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पे वो व्यक्ति रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जो पीरियड ऑफ अटेंडेंस है उसको रिकॉर्ड के ऊपर मेंटेन किया जाए, तो फिर जो IU है वो इसको कंप्लाई करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मैप ऑफ द प्लेस। अब यहाँ पे क्या है, पैरा 114 के अंदर बता रखा है कि अब प्लान ऑफ द सीन ऑफ अक्रेंस शुड बी मेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि जो जो भी सीन ऑफ अक्रेंस का प्लान था ना, उसको एक तरीके से बनाएंगे कौन, IU। ठीक है, इन एवरी केस ऑफ मर्डर, डकैती, इम्पॉर्टेंट बगलरी एंड इन एनी अदर केस इन विच सच अ प्लान विल हेल्प द कोर्ट और अ सुपरवाइजिंग पुलिस ऑफिसर टू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स। तो जोन जोन से केसेस के अंदर, देखो मर्डर, डकैती या बगलरी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बगलरी है वहां तो करना ही करना है आपको, इसके अलावा अगर और कोई केस भी लगता है आईओ, क्योंकि यहाँ पे प्लान बनाना जरूरी है, तो वहां पे फिर वो प्लान बनाएगा ताकि जो कोर्ट है उसको हेल्प हो, सुपरवाइजिंग ऑफिसर को हेल्प हो, एक तरीके से फैक्ट को सही से समझने में, कहाँ से क्या चीज़ हुई, कहाँ पे क्या चीज़ थी, तो उससे इसलिए वहाँ पे प्लान बनाया जा सकता है। इफ़ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज अनेबल टू प्रिपेयर अ प्लान विद नेसेसरी एक्यूरेसी, कि वो एकदम सही से एक्यूरेटली नहीं बना पा रहा, ही शुड इफ पॉसिबल हैव मन मेड बाय अ पटवारी, तो वहाँ पे फिर वो क्या कर सकता है, पटवारी से उसको बनवा सकता है। अ प्लान शुड ऑलवेज बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, और जिससे भी बनवा रहा है उससे साइन करवाया जाएगा कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने ये प्लान बनाया है, पटवारी बनाएगा तो पटवारी से उसको साइन करवाया जाएगा। देन 115 के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका थोड़ा एविडेंस एक्ट भी यूज हो जाएगा, अगर आपने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा होगा सेक्शन 32 के अंदर और ये सारी चीज़ें, तो वो प्लीज़ पढ़िएगा उसको, वैसे हम पढ़ेंगे अभी उसको और मैंने वीडियो भी बना रखी है उसको, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है केस का, इज इन अ सिचुएशन, कैसे हालात में है, जहाँ पे एक पर्सन जो है बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है और वो एकदम मरने ही वाला है, बिफोर ही कैन रीच अ डिस्पेंसरी, कि भाई अगर उसको डिस्पेंसरी जब तक पहुँचाएंगे तब तक वो मर जाएगा उससे पहले पहले। देन फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, जो IU है वो क्या करेंगे, ही शुड हिमसेल्फ रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन एट वंस इन द पर्सन ऑफ टू रिस्पेक्टेबल विटनेसेस, तो किसी भी दो लोग जो है उनकी प्रेजेंस के अंदर उसकी विटनेस जो है रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अभी रिस्पेक्टेबल विटनेसेस तो आपको पता ही है क्या होता है, सोसाइटी में किसी को भी बुला सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो व्यक्ति खुद चोर ना हो या कोई क्रिमिनल ना हो। ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर और मार्क ऑफ द डिक्लेरेंट एंड विटनेसेस एट द फुट ऑफ द डिक्लेरेशन, की जो जो व्यक्ति मरने वाला उसके जो भी मार्क वगैरह सिग्नेचर लिए जा सकते हैं वो ले लिए जाएंगे, और जो विटनेसेस हैं उनके भी साइन ले लिए जाएंगे कि भाई तुम दोनों के सामने ये स्टेटमेंट दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की जा सकती है। इसकी क्या वेटेज होती है, कैसी सिचुएशन में रिकॉर्ड की गई, वो सब फिर एविडेंस सेट के थ्रू हम देखते हैं। देन आती है आइडेंटिफिकेशन परेड ऑफ सस्पेक्ट, सेक्शन 9 जो है आपका एविडेंस एक्ट का, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड आती है। ठीक है, तो इन ऑल केसेज विच देर इज एनी लाइकलीहुड दैट सस्पेक्ट विल एट एनी स्टेज हैव टू बी परेडेड फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय विटनेसेस, की विटनेसेस को ये जरूरी है कि किसी भी स्टेज के ऊपर की एक्यूज को या उस व्यक्ति को जो सस्पेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करे और उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराने की जरूरत है। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो IU है, वो क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे बिल्कुल शुरू से इन्वेस्टिगेशन के, कि इंश्योर कर सके कि जो विटनेसेस हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो सस्पेक्ट को देख सके आइडेंटिफिकेशन से पहले, मतलब देख ना सके, देख लेंगे तो फिर तो कोई यूज़ ही नहीं रह जाएगा ना आइडेंटिफिकेशन पीरियड का। तो शुरू से ही कोशिश की जाएगी IU के द्वारा कि जो विटनेसेस हैं और जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो एक दूसरे, मतलब विटनेसेस सस्पेक्टेड पर्सन को ना देख पाए, कि बाद में आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये व्यक्ति था, क्योंकि 4 लोगों को खड़ा किया जाता है, उसमें से 3 जो होते हैं, जितने भी खड़े करो 3 जो होंगे उसमें से सस्पेक्ट नहीं होंगे, एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट होगा तो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यानी कि हाँ ठीक है ये विटनेस। सच प्रोसीडिंग शुड वेयर एवर पॉसिबल बी पोस्टपोन अंटिल दे कैन बी हेल्ड इन जेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर एंड पैराग्राफ 31 ऑफ दीज रेगुलेशन, फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ विच एज फार एज पुलिस आर कंसर्न द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल देन बी रिस्पॉन्सिबल। तो ये कोशिश की जाएगी कि ये जो प्रोसीडिंग है ये कहाँ पे की जाए, जेल के अंदर की जाए, जहाँ पे मैनुअल जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया गया उसको फॉलो किया जाए, पैराग्राफ 31 को फॉलो किया जाए, तो ये चीज़ें इंश्योर करने की कोशिश की जाएंगी। जब आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग चल रही होंगी या नहीं हो पाती जेल के अंदर,
ओन टू देयर बींग्स नो सफिशियंट एविडेंस ऑन विच द सस्पेक्ट कैन बी अरेस्टेड और फॉर एनी अदर रीजन इन सच अ केस द प्रोसीडिंग शुड टेक प्लेस बिफोर अ मजिस्ट्रेट। जब यहाँ पे नहीं हो पा रही और आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है कि सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जाए या कोई चीज़ की जाए, तो फिर यहाँ उस सिचुएशन के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, प्रोसीडिंग जो होती है, वो मजिस्ट्रेट के सामने भी की जा सकती है। और अगर कोई मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, नहीं रहता, तो फिर ये जो है दो रिस्पेक्टेबल और इम्पार्शियल पर्सन्स की प्रेजेंस के अंदर की जा सकती है कि भाई वो जो व्यक्ति हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं, कोई इम्पार्शियल नहीं रहेंगे, तो उनके सामने ये चीज़ें की जा सकती है। प्रोसेस फॉर कन्फेक्शन कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। अब जब वो पढ़ते हैं सेक्शन 164 पढ़ते हैं सीआरपीसी का, वहाँ कन्फेशन की बात आती है, तो हम बोल रहे हैं जब भी कोई कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा 164 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, तो जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करेंगे, वो पूछेंगे टू पुट क्वेश्चन टू द पर्सन मेकिंग इट विद अ व्यू ऑफ एलिशिएटिंग एज मेनी डिटेल एज पॉसिबल विच इट ट्रूथ कैन बी वेरीफाइड, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो कन्फेशन कर रहा है कहीं जोर जबरदस्ती से नहीं कर रहा है, किसी के दबाव में तो नहीं कर रहा है, या फिर ये जो बातें बोल रहा है सच बोल रहा है, कहीं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो जितने क्वेश्चन है मजिस्ट्रेट जो है उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 164 के अंदर भी बोल रखा है कि पर्टिकुलरली मजिस्ट्रेट को ये चीज़ लिखनी चाहिए कि अगर आप ये कन्फेशन करेंगे तो ये कन्फेशन आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है। जब तक मैजिस्ट्रेट ये स्टेटमेंट नहीं दे देते और इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो वो 164 की स्टेटमेंट जो कन्फेशन दी होती है उससे कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ पे ये इस पैरा 119 के अंदर भी बता रखा है कि इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं मैजिस्ट्रेट को, तो वो पूछ सकते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो व्यक्ति कन्फेश कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, तो जो हाइएस्ट मैजिस्ट्रेट हैं डीएम के अलावा, ठीक है, जो रीजनेबल टाइम में पहुंच सकते हैं अगर व्यक्ति जो है पुलिस कस्टडी में और वो करना चाहता है, लिखवाना चाहता है। तो ओनली मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय लोकल गवर्नमेंट और ऑथराइज टू रिकॉर्ड द कन्फेशन। जो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो गए, ये कर सकते हैं। कन्फेशन इन इंपॉर्टेंट केसेज ऑफ डकैती या कोई और सीरियस केसेज है जहाँ पे भी पॉसिबल है, तो वहाँ पे डीएम हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हो गए, तो यहाँ पे ये सब लोग जो है वो कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, इनकी प्रेजेंस में कन्फेशन रिकॉर्ड हो सकता है। अब रिमांड फॉर पुलिस कस्टडी, अब जैसे हमें पता है दो तरीके की कस्टडी होती है, एक जुडिशियल कस्टडी होती है और एक पुलिस कस्टडी होती है। पुलिस कस्टडी में जो व्यक्ति होता है वो पुलिस के पास रहता है, ठीक है, और जुडिशियल के अंदर जो जेल होता है, सेंट्रल जेल होता है, जो भी जेल होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से पुलिस कस्टडी के लिए भेजा जाएगा, जो 15 15 डेज के लिए भेजा जाता है, तो उसके बारे में बता रहा है कि कब जो मजिस्ट्रेट है वो रिमांड के अंदर भेजेंगे। तो अ रिमांड टू पुलिस कस्टडी शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर अ गिवन अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द एप्लीकेशन इज एबल टू शो डेफिनाइट एंड सेटिस्फैक्ट्री ग्राउंड। तो आप जब भी कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, आप देखना, आप किसी भी स्टेट में हो, ये चीज़ हर स्टेट में ही फॉलो होती है कि जब पुलिस जो है पुलिस रिमांड मांगती है, तो वो उसको मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि क्यों उनको ये पुलिस रिमांड चाहिए, क्यों उस एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में ना पहुंचा दिया जाए, मतलब क्यों वहां पे ना भेजा जाए। तो सेटिस्फेक्ट्री ग्राउंड जब तक वो नहीं बताते कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, कंप्लीट नहीं हुई है, या जो भी चीज़ें हैं, अगर वो सेटिस्फाई करते हैं मैजिस्ट्रेट को, तो फिर उनको पुलिस रिमांड में भेजा जाता है, अदरवाइज उनको जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाता है। हु कैन मेक एन एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर रिमांड, तो कौन यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकता है कि पुलिस कस्टडी में रखा जाए, तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू लगाई जाती है, या गजेटेड पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन के थ्रू लगाई जाती है, और ये सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही लगाई जा सकती है। और फिर 167 के बारे में तो आपको पता ही है, जहाँ पे डिफॉल्ट बेल भी होती है, और फिर वो पीरियड बता रखा है कितने कितने दिन का वो सब के लिए भेजा जा सकता है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है कि हर एक 15 दिन में फिर अपियरेंस देनी होती है, तो वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट, कौन से सेक्शन में, 173 सेक्शन में, और चार्जशीट शुड बी एज सून एज पॉसिबल, फिर फटाफट से चार्जशीट जो है वो दी जाती है, जितना जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें पूरी की जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द कंप्लीट करनी चाहिए, और फिर जो प्रोविजन है 161 से 171 के उनको फॉलो करना है, 173 को फॉलो करके सीआरपीसी के अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देनी है। ठीक है, वो एसपी के थ्रू, फिर वो जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू मजिस्ट्रेट तक आ जाती है। अब क्या टाइम लिमिट रहती है, तो द चार्जशीट विद फाइनल डायरी इन केस शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट थ्रू द सर्कल ऑफिसर एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड शुड रीच टू द कोर्ट विद इन 4 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ लॉजिंग द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये पहुंचानी होती है इन समन एंड वारंट केसेस, समन और वारंट केसेस के लिए बोल रहा है, एंड इन 8 वीक इन अ सेशन केस, और अगर सेशन केस है तो वहां पे 8 वीक के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो सेशन कोर्ट के पास चलना है।
नन ऑफ सर्कल ऑफिसर एंड पीपी शुड नॉर्मली रिटेन द चार्ज शीट फॉर मोर देन अ वीक। अब वो अपने पास जो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सर्कल ऑफिसर है, एक हफ्ते से ज़्यादा उस चार्ज शीट को नहीं रखेंगे। भाई क्या पढ़ रहे हो, एक हफ्ता हो गया, अब दे दो, कोर्ट में सबमिट कर दो। द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड एक्सेप्ट फॉर वेरी स्पेशल रीजन। ये जो टाइम लिमिट दी रखी है ना 4 वीक्स और ये सारी चीज़ों की, तो ये स्पेशल रीजन्स के अलावा किसी और रीजन्स की वजह से अलाउ नहीं किया जाएगा कि इससे ज़्यादा पीरियड एक्सीड किया जाए। और अगर आप फेल कर जाते हो उस रिपोर्ट को सबमिट करने में, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 जो है खत्म हो जाएगा। तो जो एसपी है वो डीएम को सबमिट करेंगे इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड डुप्लीकेट अ क्वार्टरली लिस्ट ऑफ द केसेज इन विच चार्जशीट कुड नॉट बी सबमिटेड विद इन अ पीरियड टाइम लिमिट ऑफ 4 एंड 8 वीक्स। तो यहाँ पे एसपी को डीएम को रिपोर्ट सबमिट करनी है क्वार्टरली, ठीक है, कि भाई क्यों, कितनी ऐसी चार्जशीट है जो कि सबमिट नहीं हो पाई अपने टाइम लिमिट के अंदर, जो यहाँ पे हमें बता रखी है 4 और 8 हफ्ते वाली, समन वारंट में 4 हफ्ते और सेशन वाले के अंदर 8 हफ्ते के अंदर, जिन जिन के अंदर नहीं हुई है। फिर डीएम जो है इसको रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देंगे रेंज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, एंडोर्सिंग द अदर कॉपी विद द कमेंट्स ऑन द कमिश्नर ऑफ द डिवीजन, कि भाई जो भी रीजन है, जो भी कमेंट्स वगैरह, उसके ऊपर लगा के इनको भेज देंगे। देन जो रेंज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है पुलिस के, विल देयर अपॉन कंपाइल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अ स्टेटमेंट ऑफ डिलेड केसेज एंड सबमिट टू द आईजी ऑफ पुलिस, हु विल फॉरवर्ड द सेम टू द गवर्नमेंट इन होम डिपार्टमेंट विद इट्स कमेंट्स। तो फिर ये फाइनली आईजी के पास जाएगी, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, और फिर वो अपनी रिपोर्ट्स के साथ इसको होम डिपार्टमेंट में भेज देंगे गवर्नमेंट के, ठीक है, मिनिस्ट्री में भेज देंगे कि भाई इस के अंदर नहीं हो पाई है, तो फिर वो उसको आगे फिर फॉलो अप करेंगे। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या कंप्लीट किया है, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 कंप्लीट किया। तो आई होप आपको चैप्टर 10 और 11 जो है समझ आया हो। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसको सॉल्व कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और UPAPU की तैयारी इस तरीके से कीजिए। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ अप टू 21 अगस्त, आपकी पूरी तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।